फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये ब्लॉग ना संडे का है, तो संडे को, सैटरडे को मिस्टी का एनुअल डे हो गया था, तो संडे को ना अब मिस जिया का बर्थडे आ रहा है, तो उसकी तैयारी करनी है, उसका ड्रेस वगैरह ख़रीदना था। तो आज हम लोगों ने सोचा था कि मतलब जाएंगे उसके ड्रेस देखने के लिए। तो उससे पहले फिर डिसाइड हुआ कि मिस्टी का कराटे क्लास कल मिस हो गया था, तो आज 11:30 से संडे को होता है। तो अभी मिस्टी और मिस्टी के पापा दोनों चले गए हैं कराटे क्लास। उसके बाद मैंने सोचा कि लंच में ना आज कढ़ी चावल बनाते हैं, बहुत दिन हो गया कढ़ी खाए हुए। तो मैं इधर मैंने सोचा कि जब तक वो लोग कराटे से आएंगे तब तक ना लंच बनकर रेडी हो जाएगा। अब फिर आने के बाद ना हम लोग थे कि डी मार्ट भी जाना है, ग्रॉसरी शॉपिंग भी है, तो हमने सोचा कि पहले मतलब लंच बना रहेगा, तो उनके आने के बाद ना पहले डी मार्ट चले जाएंगे, और डी मार्ट से आकर खाना खाकर मतलब लंच करने के बाद फिर जाएंगे फोरम मॉल, उधर ड्रेस वगैरह देखेंगे जिया का। तो इधर मेरी बड़ी बन गई थी, इधर कढ़ी की प्रिपरेशन चल रही थी, इवन मतलब ये बन गया था और ये लोग जब आ गए तो फिर डी मार्ट जब जाना हुआ, तो डी मार्ट जाने के बाद ऐसा लगा कि आज हम क्यों आए। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोग आधा सामान लिए और आधा सामान बिना लिए हुए हम लोग वापस आ गए। तो गाइस, इधर मेरी बड़ी निकल गई थी कढ़ी के लिए, मैंने ना जीरा, राई, कड़ी पत्ता, हींग ये सब कुछ दिया। उसके बाद जो घोल मैंने बना के रखा था उसे अभी कढ़ाई में डाल दिया, इसे भी चलाते नहीं। मैं आज सिंपल वाली, ये पकौड़े वाली, मतलब प्याज वाले पकौड़े नहीं, प्लेन बड़ी जो हमारे यहाँ बनती है ना बेसन की, सिर्फ वो वाली मैंने बनाई थी। तो अभी उसे, उस बड़ी को भी मैंने कढ़ी के अंदर डाल दिया था, उसे मिलाते जाएंगे, क्योंकि कढ़ी की ना मेन खासियत यही होती है अगर आप बीच में से चलाना छोड़ दो ना तो कढ़ी फट जाती है। तो यहाँ पर कढ़ी और उसके बाद ना कढ़ी के साथ ना सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होता है भुजिया, तो आलू गोभी का भुजिया। इधर मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी थी, गोभी भी ना कट करके गर्म पानी में धो लिया था, उसके बाद इसे मैंने डाल दिया। तो अभी ना बिना कवर किए हुए इसे भुनेंगे, लाल हो जाएगा, उसके बाद फिर आलू डालेंगे। इधर कढ़ी जो देखिए कितना अच्छा उबाल आ गया, कलर भी काफ़ी अच्छा था, कढ़ी बनकर रेडी हो गई थी। इधर गोभी भी इधर फ्राई हो रहा था, तो इधर गोभी जैसे ही ना मतलब हल्का लाल, ये दिख रहा है हल्का ब्राउनिश हो गया था, तो अभी इसमें ना जो आलू मैंने कट करके रखे थे उसे भी लंबे लंबे स्लाइस में, तो यहाँ पर आलू मैंने डाल दिया। इसके बाद फिर इसे ना थोड़ी देर कवर करेंगे, उसके बाद फिर निकाल देंगे, क्योंकि ना ज़्यादा कवर करके मतलब कुक करने से क्या होता है ना कि आलू एकदम से टूट जाता है, इवन गोभी भी, तो इसीलिए। तो यहाँ पर मेरी आलू गोभी बन रही थी, इसमें मैंने हल्दी डाले और नमक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो नमक मैं थोड़ा लास्ट में दूँगी जब ये कुक अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि नमक देने से ना जल्दी टूट जाता है, इसीलिए। तो यहाँ पर अब अच्छा ऑलमोस्ट कुक हो गया था, तो मैंने यहाँ पर नमक दिया। उसके बाद फिर से उसे अभी कवर नहीं करना है, बस खुले में इसको पकाना है। तो यहाँ पर ना अब ऑलमोस्ट मेरी भुजिया भी रेडी हो गई थी, और अभी मिस्टी आ गई, उसके बाद हम लोग निकल पड़े फोरम मॉल। तो फोरम मॉल मतलब उससे पहले तो हम लोग डी मार्ट गए थे लेकिन डी मार्ट का वीडियो मैंने नहीं लिया है। तो यहाँ पर ना और फिर लंच किए, लंच करने के बाद हम लोग आ गए फोरम के लुलू मॉल में। तो लुलू में हम लोग आ गए थे आज बस ऐसे ही, ऐसा क्या होता है ना कि जितनी बार भी मैं फोरम जाती हूँ ना, मैं कभी लुलू मॉल के अंदर कम्प्लीटली जा कर के मैंने कभी नहीं देखा। तो आज मैंने सोचा कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, बच्चों को छोड़ कर गए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा देखते हैं लुलू मॉल के अंदर। तो लुलू मॉल सच में अमेजिंग है, इसके अंदर बहुत सारी मतलब जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट नहीं करते वो भी चीज़ें अवेलेबल हैं। इवन मुझे यहाँ पर क्या मिला, जो संक्रांति में हमारे यहाँ लाई जो खाते हैं ना, मुरमुरा जिसे बोलते हैं, तो वो हमें दिखा, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। इधर क्रिसमस आ रहा है, तो क्रिसमस के लिए काफ़ी अच्छा सा मॉल मतलब डेकोरेट होकर के रेडी था। इवन फोरम भी काफ़ी अच्छे से क्रिसमस में सजाया जाता है, लास्ट ईयर के ब्लॉग में भी आपने देखा होगा, इस ईयर का भी मैं बनाऊंगी। तो चलिए गाइस, यहाँ पर ना लुलू मॉल की सैर करते हैं।
गाइस यहाँ ना ऑलमोस्ट ना मतलब हम लोग मॉल घूम लिए थे और यहाँ पर हमें दिखा यही, देखिए ये तिल के लड्डू, वाइट वाले, ब्लैक वाले, इवन हमारे यहाँ ना क्यूब साइज़ में जो मिलता है वो भी था। तो ये डब्बा मैंने ले लिया कि भाई इतने दिनों के बाद ये मुझे दिखा है तो ये से लेना तो बनता ही है। इवन हम लोग डिसाइडेड थे कि संक्रांति के समय भी यहीं आ जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। इवन ना हमें सडनली मेरी नज़र पड़ती है इधर, मतलब ये जो देख रहे हैं ना ये एकदम जस्ट लाइक ना मतलब फाइव स्टार होटल की तरह ये लोग डिस्प्ले में एकदम से रखे हुए हैं सारा फूड आइटम। इवन ना मतलब जिस तरह हम लोग खाना ऑर्डर करते हैं जोमेटो या स्विगी से, सारे मेन्यू इधर लगे हुए हैं। और ये दिखा मुझे लाई, हम लोग क्या इसे लाई बोलते हैं, मकर संक्रांति के समय खाते हैं, वो भी गुड़ वाला था। तो ये तो देख करके मन खुशी हो गया कि भाई लुलु मॉल में ये भी, और इवन वो साइज में जो हमारे यहाँ मिलता है बड़ा बड़ा, वरना इधर हॉट चिप्स या और स्नैक्स कॉर्नर में छोटे छोटे वाले मिलते रहते हैं, वो तो हमेशा हम लोग देखते हैं। इवन चलिए मैं खाने की बात करती हूँ, तो इधर खाने जिस तरह हम लोग जोमेटो, स्विगी और बाकी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं, मतलब हर एक आइटम था, चाहे वो स्नैक्स हो, मेन कोर्स हो, डेजर्ट हो, जो कुछ भी हो, सब कुछ था, ये हमें पता ही नहीं था। और मतलब सबसे ज़्यादा भीड़ उधर ही थी, सब लोग ना मतलब घूमने के बाद शायद थक गए थे और थक जाते ही हैं इतना बड़ा है, तो उसके बाद सब लोग अपना खाना पैक कराने में लगे हुए थे। ये देखिए तरह तरह के जैम, पिकल, मतलब जिन जैक फ्रूट का भी जैम था इधर, तो वो देखने के बाद बाबा ये भी होता है। इवन ये ना मतलब फिश पिकल वगैरह शायद था, मुझे उतना याद नहीं, आप देख सकते। इधर ये स्नैक्स मतलब ना ये तरह तरह के नमकीन, मतलब क्या नहीं था, मतलब सच्ची में अमेजिंग था। मैं वही सोच रही थी इतने दिनों से मैं आती हूँ अंदर कभी नहीं आती। इधर ये नॉनवेज वाला कॉर्नर, चिकन, वो कुछ लॉलीपॉप, फ्राई विंग्स कुछ कुछ था। उसके बाद इधर ये देखिए मतलब ये सिर्फ जैम, मतलब चीज़, पनीर, डेरी आइटम, वो बोल लीजिए। उसके बाद हम लोग ना मतलब वही जो हमने तिल के लड्डू वगैरह जो लिए थे उसके लिए बिलिंग काउंटर पे आ गए थे, और यहाँ से निकलने मतलब निकल के आ रहे थे हम लोग, जा रहे थे उधर शॉप स्टॉल और पैंटलूस लाइफ स्टाइल उधर गए थे, लाइफ स्टाइल से इनका फ्रेश। उसके बाद इधर ये देखा क्योंकि आज है फोरम साउथ बैंगलोर की सेकेंड एनिवर्सरी, तो आज ही के दिन ना 2 साल पहले ये फोरम साउथ उसकी एनिवर्सरी थी, तो उसके पेज पर भी देखा इन्होंने केक वेक पिक कर लिया था। उसके बाद मैंने उसे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर बहुत ही। आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक फिर मिलते हैं, बाय बाय।